मेरा नाम राजू और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में दिखाएंगे ये जो डायमंड है, जो बहुत सारे फैंसी कबूतर है, ये कबूतर को और ये डायमंड आप कॉस्टेबल डायमंड आप को कैसे बीट किया जा सकते है, कैसे ज्यादा अंडे बच्चे मिलने के लिए आपको क्या करना होगा, वो इस वीडियो में दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और जो लोग नए नए फैंसी पिजन फैंसी डॉग पालना चाहते हैं, उन लोगों को मेरा ये वीडियो देख के कुछ आइडियाज वगैरह मिल जाएगा। तो आशा रखते हैं ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक करना, और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये जो डायमंड डॉग जिसको चाइनीज डॉग बोले जाते हैं, और बेबी काफी बड़ा हो चुका है और बाहर भी चले आया है, और बेबी का उम्र है 27 डेज 28 डेज उम्र है। तो ये दूसरे टाइम अंडे ले करने वाला है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये है मिट्टी, मैंने गार्डन से उठा के लेकर आए और एक दो दिन सनलाइट पे रखे थे और सूख जाने का बाद मैंने लेकर चले आए हैं। और ये है लाल सुरकी, इसको बंगाली में लाल सुरकी बोलते हैं, कोई कोई लोग इसको लाल ग्रिड भी बोलते हैं। तो पुराना वाला कंस्ट्रक्शन जिस साइड में है वो कंस्ट्रक्शन तोड़ने का बाद ये मिल जाता है, तो मैंने उस साइड से लेकर चले आए हैं। और ये बहुत ही अच्छा काम करता है पिजन डायमंड डॉग, जितना सारे फैंसी डॉग है, जितना सारे फैंसी कबूतर है, उन लोगों को बहुत ही काम का चीज़ है ये दोनों। तो चलिए कैसे इसको मिक्स्ड करके देना पड़ता है वही आप लोगों को दिखाते। तो आप देख सकते हो मिट्टी को मैंने तोड़ के ऐसा कर लिया है, और डॉग का चोंच बहुत ही छोटा है और दुबली पतली है, तो ऐसे बनाना पड़ा। और ये देने से बहुत ही अच्छा खा लेता है और पसंद भी करता है, और देना भी जरूरी होता है डायमंड डॉग को। जितना सारे फैंसी डॉग होता है उन लोगों को देना जरूरी होता है, ये देने से जल्दी जल्दी अंडे ले कर देता है। एक क्लच अंडे बच्चे करके दूसरे क्लच पे जल्दी जल्दी अंडे ले कर देता है। तो बर्ड्स कबूतर ये लोगों को देना पड़ता है मिट्टी, और देना ऐसा करके चाहिए, वो लोगों को खाने के लिए थोड़ी सुविधा होगा, और भी बेहतर के लिए इसको छागनी से आपको छाग लेना होगा और डस्ट निकल जाएगा, और जो ग्रिट छोटा छोटा ग्रिट होता है वो अच्छा तरीके से शौक से खा भी लेता है। तो चलिए छाग लेते हैं इसको। तुम सब देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुका है। तो रख देते हैं इसको। और उसके बाद ग्रिट्स को रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स ये लाल सुरकी को भी वैसे ही तोड़ के छोटा छोटा बनाना होगा, खाने के लिए डायमंड आपको सुविधा होगा। ऐसे करके आपको रेडी करके देना होगा, हफ्ते में एक बार देना होगा, ये जल्दी जल्दी खा लेगा। और भी छोटा बनाना होगा। ये देने से क्या होता है, उन लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी सही तरीके से हो जाता है और पटी वगैरह नहीं होता है। तो डायमंड आपको कुछ नहीं होता है तो देना पड़ता है, तो मिट्टी का साथ ऐसे मिला के देना पड़ता है। तो चलिए ये भी तैयार हो चुके हैं, इसको भी छांक लेते हैं। डस्ट को वार कर देना होगा, उसके बाद आपको अच्छे से मिक्स कर देना होगा। आपको फ्रेंड्स ऐसे बना के देना होगा डायमंड डॉग
जितना सारे फैंसी डाव है, जितना सारे फैंसी कबूतर होता है, उन लोगों को देना पड़ता है। देने से जल्दी जल्दी अंडे बच्चे कर देता है। और मान लीजिए कोई बर्ड्स एडल्ट हो चुके हैं, अंडे नहीं दे रहा है, उन लोगों को वैसा मिट्टी और सूखी डस्ट करके ऐसे देने से वो लोग खा के तुरंत अंडे लेकर देगा। तो मैं देता हूँ, आप लोग भी दे सकते हो, और देने से अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए डायमंड डॉग को देते हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये लोग खाने के लिए चले आए हैं, और ऐसे मेंटेन देने से डायमंड डॉग जितना सारे फैंसी पिजन होता है वो लोग ज़्यादा अंडे बच्चे करते हैं। तो जल्दी जल्दी अंडे बच्चे पाने के लिए आपको वैसा मेंटेन देना होगा, और देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। तो मैं देता हूँ वैसा बना के, देने से एक हफ्ता चलता है, एक हफ्ता का बाद फिर से मैं बना के इन लोगों को दे देता हूँ। इधर एक बात को अपन नोटिस करना होगा, ये जो फैंसी डॉग फैंसी कबूतर एडल हो जाने के बाद अंडे ले नहीं किया तो आपको मिट्टी देना होगा। इस तरह मिट्टी देने से वो डायमंड डॉग फैंसी कबूतर जल्दी जल्दी अंडे ले कर देगा। और मान लीजिए आपका घर में ये डॉग फैंसी कबूतर आपके घर में एडल हो चुके हैं, अंडे ले नहीं कर रहे हैं, तो मेरा हिसाब से आपको मिट्टी देना होगा। मिट्टी देने से ये लोग जल्दी जल्दी अंडे ले कर देगा, और आपको भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह मेंटेन देता हूँ, आप लोग भी आपका डायमंड आपका फार्म में फैंसी कबूतर का फार्म में वैसा मेंटेन दे सकते हो। वैसा मेंटेन देने से आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अंडे बच्चे मिल जाएगा। तो आशा रखते हैं मेरा वीडियो देख के कुछ सीख भी पाया होगा, कुछ नॉलेज आप लोगों को मिल गया होगा। और वीडियो पसंद आए जरूर एक लाइक कर देना, और फिर अब मेरे चैनल पे नया हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना, ठीक है। मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक तुरंत वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नया वीडियो नया टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।